हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है। तो आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ जो आज से 6 साल पहले रिलीज़ हुई थी। ये बात सच है कि इस मूवी को इंडिया में उस लेवल का ग्रोल नहीं मिला था, लेकिन वहीं ये मूवी इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रही थी। मैंने खुद ने इस मूवी को नहीं देखा था, बल्कि मैंने इस मूवी को एक फिल्म फेस्टिवल में देखा था। और देखने के बाद वाओ, क्या गजब की मूवी थी। और इसकी स्टोरी मेरे दिमाग में कई दिनों तक चलती रही। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुम्बाड़ मूवी की। तो आज से सदियों पहले एक देवी हुआ करती थी जिनके पास कभी न खत्म होने वाला अनाज और सोने का भंडार था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को अपनी कोख से जन्म दिया, और उनमें से उनको सबसे प्यारा था उनका अपना बड़ा बेटा हस्तर। देवी के बड़े बेटे का नाम था हस्तर, और देवी अपने बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा चाहती थी। जैसे जैसे समय बीता वैसे हस्तर जब बड़ा हुआ तो उसके मन में लालच ने घर कर लिया। और फिर एक दिन हस्तर ने अपनी ही माँ के सोने को चुराने की कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी हो गया। लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर प्रहार कर दिया और वो नाकामयाब हो गया। लेकिन पूर्ति की देवी माँ ने हस्तर को बचा लिया। और देवी माँ जानती थी कि हस्तर लालची है और शक्तिशाली भी है, तो कभी न कभी ये ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए देवी माँ ने उसे इस शर्त पर अपनी कोख में ही रख लिया कि वो सिर्फ खाएगा और सोएगा। लेकिन सदियों बाद दिखाया जाता है तुम्बाड़ की कहानी कि इंसानों ने खुद ही हस्तर को जगाया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, उसकी मंदिर बनवा दी। क्योंकि तुम्बाड़ के लोगों ने उसके लिए मंदिर बनवाया, जबकि ये श्राप मिला था हस्तर को कि आज के बाद उसे कभी कोई भी इंसान नहीं पूजेगा, और यही उसका श्राप था। लेकिन जब तुम्बाड़ के लोगों ने उसकी मंदिर बनवाई और उसकी पूजा करने शुरू कर दी, तब से उस जगह में श्राप बनकर पानी बरसने लगा, और वहाँ हर दिन सिर्फ पानी ही बरसता रहता है। तो आपको बता दूं, इस फिल्म का मुख्य किरदार है विनायक राव। बात यह है कि विनायक के पूर्वजों ने ही हस्तर का मंदिर बनवाया। विनायक के पूर्वजों को खजाने का राज जानना था, जिस खजाने को हस्तर ने पूर्ति की देवी माँ से चुरा लिया था। खजाने की लालच की वजह से ही विनायक के दादी का पूरा शरीर सड़ चुका है, और उनकी उम्र का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दादी सरकार नाम के बूढ़े आदमी की लड़क नानी है, जिसकी देखरेख विनायक की माँ करती थी, और बदले में सरकार नाम का आदमी उसकी माँ को खाना खर्चा देता था। इस खजाने का नाम लेना भी इतना श्रापित है कि विनायक के पिता और उसके छोटे भाई की मौत हो जाती है। इन सब से परेशान होकर विनायक की माँ उसे लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे वापस न आने की कसम देती है। लेकिन 15 साल बाद उसकी माँ की भी मौत हो जाती है, और विनायक लालच की वजह से तुम्बाड़ वापस आ जाता है खजाने की तलाश में, और आकर देखता है कि उसकी दादी श्राप के कारण मरी नहीं है बल्कि पूरी तरह सड़ चुकी है और उसमें से पेड़ निकल चुके हैं। वह दादी से मुक्ति के बदले खजाने का राज पूछता है, और दादी उसे बता देती है। तब विनायक दादी को जलाकर मुक्ति दिला देता है, और विनायक रहस्यमय तरीके से उस खजाने से सोने की मुद्राएं लेकर जाता है। जिस बात को लेकर उसका मुनीम, जो कि उसका दोस्त भी है, सोचता है कि अचानक विनायक इतनी मुद्राएं कहाँ से लाता है। वह राज जानने के लिए विनायक के पीछे उसके गाँव तुम्बाड़ जाता है, और विनायक को इस बात का पता चल जाता है, और वह उसे देवी माँ के गर्भ का रास्ता दिखा देता है। और तब हमें पता चलता है कि कैसे विनायक खजाने से सोने की मुद्राएं लेकर जाता था। लेकिन उसके पहले उसके दोस्त राघव को देवी माँ के गर्भ में हस्तर खा जाता है, और वह श्रापित हो जाता है। लेकिन क्योंकि राघव ने विनायक की कभी मदद की थी, इसलिए वह उसे भी मुक्ति दिला देता है। और दिखाया जाता है कि विनायक देवी माँ के गर्भ में जाते ही पहले आटे का एक गोल घेरा बना लेता है, क्योंकि हस्तर को अनाज का डर भी था और कमजोरी भी थी, इसलिए वह आटे की गुड़िया बनाकर उसे खाने को दे देता है। और उतने ही समय में सोने के सिक्के लेकर वह बाहर निकल जाता है। लेकिन विनायक अब बूढ़ा हो रहा है और ज़्यादा दिन तक यह काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने बेटे को तैयार करता है और तुम्बाड़ ले जाकर उसे खजाने वाली सारी बातें बता देता है। लेकिन उसका बेटा उससे भी एक कदम आगे, वह और ज़्यादा लालची था, और वह अपने पिता से कहता है कि 4-5 मुद्राओं से कुछ नहीं होगा, हमें और ज़्यादा मुद्राएं लानी होगी, वह भी एक ही बार में। उसके पिता को उसकी बात सही लगती है और वह मान लेता है।
लेकिन जैसे ही विनायक अपने बेटे के साथ देवी माँ के गर्भ में जाता है तो कहानी का क्लाइमेक्स आता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। विनायक एक साथ जितने आटे की गुड़िया हस्तर की तरफ फेंकता है उतने ही हस्तर गुड़िया खाने आ जाते हैं। ये देखकर विनायक समझ जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और फिर विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए अपने शरीर पर आटे की छोटी छोटी गुड़िया बांध लेता है और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है और सारे हस्तर एक एक कर मारे जाते हैं और विनायक का बेटा बच जाता है। लेकिन विनायक को हस्तर का श्राप लग चुका है और उसका शरीर भी जल जाता है। विनायक अपने बेटे को सोने की मुद्राएं देता है जो वह अपने साथ देवी माँ के गर्भ से लेकर आया था, लेकिन वह उन मुद्राओं को लेने से मना कर देता है जिससे विनायक समझ जाता है कि उसके बेटे के अंदर से अब लालच निकल गया है और वह ये देखकर खुश भी होता है और विनायक का बेटा अपने पिता को उसकी हालत देखकर जलाकर मुक्ति दिला देता है। इससे ये समझ आ जाता है कि इंसान का लालच बढ़ने से मुश्किलें बढ़ती जाती हैं और ज़रूरतें कभी खत्म नहीं होती हैं। आपको बता दूं इस फिल्म को फिर से 6 साल बाद रिलीज़ किया गया है। इससे पहले ये मूवी 2018 में रिलीज़ की गई थी और कमाल की बात यह है कि दोबारा रिलीज़ करने के बाद कुछ ही दिनों में इस फिल्म ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं और फिल्म के आखिर में पार्ट 2 की घोषणा भी कर दी गई है। तो मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना।